हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। आपसे मैंने ये कहा था एक आप पूरा वीडियो देखा करो और जो करंट का वीडियो भी डालने लगे हम उसको भी पूरा देखा करो, क्योंकि हर एग्जाम में करंट भी जरूरी है। और अपना झीलों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें खारे और मीठे पानी दोनों झीलें कम्प्लीट कर दिए। आज जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा नदियों का। किसका होगा? नदियों का। देखो नदियां, पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं एकदम। और ढंग से देखोगे और ढंग से सुनोगे तो मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि नदियां आप लाइफ में नहीं भूल सकते, क्योंकि नदियां ये तो नहीं है कहीं दूसरे जिले में चले जाएंगी, जितनी नदियां वो वहां रुकी जाएंगी। इसलिए अपन को पूरा वीडियो ढंग से देखना और एक एक चीज को ध्यान पूर्वक सुनना है। और नदियां एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में से क्वेश्चन 101% आते हैं। मतलब कोई सा एग्जाम ले लो, नदियों में से क्वेश्चन जरूर है। और ऐसा ही कहा जाता है एक नदियां इतना टाइट टॉपिक है, कठिन टॉपिक है कि एक बार देखने याद नहीं होता। लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक मैं एक एक चीज को ढंग से समझा के आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देखो नदियां होती है तीन प्रकार की। राजस्थान में नदियां कितने प्रकार की पाई जाती है? तीन प्रकार। पहले अरब सागर वाली नदियां, दूसरा बंगाली खाड़ी वाली नदियां, तीसरा आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से नदियां दो प्रकार में। राजस्थान में प्रवाह कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का। देखो पहले अपन देखते हैं अरब सागर वाली नदियां। अरब सागर वाली नदियां, पहला अरब सागर वाली नदी। देखो ये अपना राजस्थान हो गया, ये अपना राजस्थान, अब नहीं ये राजस्थान बना रही। अब ये चीज देखो, अरब सागर से मतलब ये यहां पर ये गुजरात और यहां पर अरब सागर। देखो इससे मतलब यह है कि नदियां का उद्गम कैसे भी हो, भाई राजस्थान से हो, यहां से हो नदी का उद्गम, यहां से हो, बाहर से हो, लेकिन वो अपने जगह लेके जा रहे हो गुजरात की साइड। गुजरात में या तो कच्छ के रण में या खंभा की खाड़ी में, और उसके बाद में ये दोनों कहां चले जाएंगे? अरब सागर में। तो वो क्या कहलाती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां जिनका उद्गम कैसे भी हो लेकिन अपना जल या तो कच्छ के रण में लेके जाए या खंभा की खाड़ी, और उसके बाद में वो नदियां कहां चले जाए? अरब सागर में। तो क्या कहलाती है? अरब सागर। जो राजस्थान में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का परसेंटेज कितना है? 16%। यानी सपोज करो राजस्थान में 100% नदियां, तो उनमें से 16% नदी कहां जाएंगे? अरब सागर। अब आपसे कोई पूछे अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको करना माही। कौन सी है? माही। करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये अपनी माही। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही। कौन सी है? माही। तो ये अपन को याद करना है। अब अपन देखते हैं, एक लाइन याद कर लेना, उस लाइन के अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। लाइन याद कर ले अरब सागर में गिरने वाली नदियों, इसमें सभी नदियां आ जाएंगी जो कहां जाती है? अरब सागर में गिरती है, वो सभी नदियां इसके अंदर आ जाएंगी। देखो लाइन याद कर लिया अपन को, पीबी पीबीएम से जखम लेकर लोग अरब सागर में गए। लाइन क्या याद करोगे?
टीबीएम से जख्म लेकर लोग टांगे और अब सागर में जख्म कहाँ से लिए टीबीएम से टीबीएम से जख्म लेकर लोग टांगे और अब सागर में। ये लाइन आपको याद है, देखो इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, अगर अलग जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। टीबी टीबी का मतलब पी का मतलब होगा पश्चिमी और डे का मतलब होगा बनास पश्चिमी बनास, मैं का माही, से का सो, जे का जवाई, खम का जाखम, लेकर को साइलेंट कर लो, ले का लूनी, ए का अनास, ए का क्या है अनास, सागर का साबरमती, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं जो कहां जाती है अरब सागर में, कहां जाती है अरब सागर। क्या लाइन याद करोगे, पीबीएम से जख्म लेकर लोग अरब सागर में गए, पीबीएम से जख्म लेकर कहां गए अरब सागर में, पश्चिमी बनास, माही, सोम, जवाई, जाखम, लूनी और अनास, और लास्ट में आती है साबरमती। अब पहली नदी लेते हैं पश्चिमी बना, कौन सी लेते हैं पश्चिमी बना, छोटी सी नदी है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको याद करने, सीता से याद करो। उद्गम कहाँ होता है, नया संगवाड़ा की पहाड़िया जो कहाँ है अरावली पर्वतमाला में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिरोही, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिरोही, और इस नदी किनारे सिरोही जिले में पश्चिमी बनास नाम क्या बनाया गया, बांध बना, में क्या बताया बांध बनाया गया, और गुजरात का डीसा शहर इसी नदी किनारे, गुजरात का डीसा शहर इसी नदी किनारे, और ये नदी कहां जाती है अरब सागर में चली जाती है। ये आपकी पश्चिम बनास नदी खत्म होती है। हाँ, जो अच्छी नदी आती है वो आती है अब माही नदी, कौन सी आती है माही, जो ढंग से देखो उसे माही नदी, माही नदी ये अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की क्या है सबसे लंबी नदी, क्या है सबसे लंबी नदी। देखो इसके उपनाम आपको नीट में पहले याद करना, तो एबीसीडी सबको आती है, एबीसीडी पहला आदिवासियों की गंगा, क्या करोगे आदिवासियों की गंगा, ए बराबर आदिवासियों की गंगा, बी बराबर वागड़ की गंगा, बी बराबर वागड़ की गंगा, डी बराबर सी बराबर काठल की गंगा, सी बराबर काठल की गंगा, और डी बराबर दक्षिणी राजस्थान की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ए बराबर आदिवासियों की गंगा, बी बराबर वागड़ की गंगा, सी बराबर काठल की गंगा, डी बराबर दक्षिण राजस्थान की गंगा। ये इसके क्या है उपनाम, अब आप देखते हैं एकदम क्लियर देख रहे हैं आप लोगों को, ये अब ये देखो ये जो मैंने बनाया है ये अपने राजस्थान, उसके बाद ये एक लाइन है, ये कौन सी है करक रेखा, ये क्या है करक रेखा। यहां पर ये तीन डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट अपने पास है तीन डिस्ट्रिक्ट, देखो ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा, ध्यान देना नदी कौन सी है माही, किस में जाती है अरब सागर में, ये यहां पर एमपी, ये एमपी, एमपी में झील मेहद, कौन सी झील है भाई मेहद जी, तो यहां पर इसका क्या होता है उद्गम, ध्यान रखना कोई आपसे पूछे एक माही नदी का उद्गम कहां होता है एमपी की मेहद झील में, एमपी की मेहद
झील में माही नदी का उद्गम होता है एमपी की मेहर झील। अब उसके बाद जगह ये नदी आ गई ये यहां प्रवेश कहां किया राजस्थान में, राजस्थान में कहा बांसवाड़ा, राजस्थान में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कहा खांडू गांव के निकट जो कुशालगढ़ तहसील में खांडू गांव के निकट उद्गम मेहर झील एमपी राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव के निकट जो कहां पर है बांसवाड़ा ये नदी है। अब एक चीज देखो यहां पर एमपी के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में इस नदी किनारे दो बांध बनाए गए, एक बांध बनाया गया माही बजाज सागर बांध, कौन सा बांध है माही बजाज सागर बांध जो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अपन तीन पढ़ेंगे बड़ा ऊंचा और लंबा, तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और उसके बाद में एक बांध का पूरक के बाद बनाया गया वो बांध बनाया गया कागदी पिकअप बांध, कौन सा बांध बनाया गया कागदी पिकअप। भाई माही बजाज सागर में ज्यादा पानी आ जाए तो पानी कहां छोड़ दी जाए कागदी पिकअप बांध। दोनों सवाल समझ में आ गए, एक तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध और दूसरा है कागदी पिकअप बांध। अभी बांसवाड़ा दोनों जिलों को स्पर्श करती है या दोनों जिलों में ये प्रभावित होती है बहती है, तो इन दोनों के मध्य सिंचित भाग को कहा जाता है छप्पन का मैदान या छप्पन का प्रदेश, छप्पन का मैदान या छप्पन का प्रदेश। ध्यान रखना छप्पन का मैदान तो लूणी नदी बनाती है, वो सॉरी माही नदी बनाती है, और छप्पन की पहाड़ियां कहा है बाड़मेर में, कहा है बाड़मेर में, और छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। और ध्यान रखो प्रतापगढ़ में इस नदी के किनारे वाले भाग को कहा जाता है काटल का प्रदेश, इस किनारे वाले भाग को क्या कहा जाता है काटल का प्रदेश। आपने सुना होगा काटल का ताजमहल किसे कहा जाता है काका जी की दरगाह को, काटल का ताजमहल किसे कहा जाता है काका जी की दरगाह को। तो प्रतापगढ़ में माही नदी के भाग किनारे वाले भाग को क्या कहा जाता है काटल का प्रदेश, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के सिंचित भाग को छप्पन का मैदान। अब एक चीज देखो माही नदी अब किस जिले में आ गई डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सिंचित भाग को कहा जाता है वागड़ का प्रदेश, वागड़ का प्रदेश या वागड़ का मैदान। अब यहां पर डूंगरपुर में एक तहसील है आसपुरा, कौन सी तहसील है आसपुरा, ध्यान रखना डूंगरगढ़ में डूंगरपुर में एक तहसील है आसपुरा, कौन सी तहसील है आसपुरा, आसपुरा के पास में एक गांव है नेवटापुरम, कौन सा गांव है नेवटापुरम। अब एक चीज देखो नेवटापुरम में अपने एक स्थान है वेनेश्वर, क्या स्थान है वेनेश्वर, वेनेश्वर को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, क्या कहा जाता है कुंभ, और कुंभ कब बढ़ेगा जब तीन नदियों का संगम होगा तब, कुंभ कब बढ़ता है तीन नदियों का संगम, तो कुंभ में कौन आ गए मासो जी, मासो जी, मासो जी क्यों आए मेला देखने के लिए कुंभ का, तो कौन सा माही सोम और जाखम ये तीन नदियां हैं जो यहां पर त्रिवेणी बनाती है माही सोम जाखम, मासो जी क्यों आए आदिवासियों का कुंभ देखने के लिए, और ये मेला कब बढ़ता है माघ माह की पूर्णिमा को, कब बढ़ता है
माघ माह की पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला बढ़ता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वेणेश्वर की यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पर? वेणेश्वर में, नेवटापुरम में। क्या बढ़ता है? कुंभ का बढ़ता है माघ माह की पूर्णिमा को। आगे उसके बाद नदी कहाँ चली? गुजरात। गुजरात में इस नदी पर बनाया गया कड़ाणा बांध। गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया? कड़ाणा। गुजरात, ध्यान रखना, गुजरात में बनाया गया कड़ाणा बांध। आपसे कोई पूछे माई नदी पर कुल कितने बांध है? तीन। दो राजस्थान में, एक गुजरात में। राजस्थान में कितने? दो। कितने? दो। और टोटल बांध कितने? तीन। अब आप एक चीज देखो, इस मैप के हिसाब से राजस्थान में किस आकार में भी उल्टे यू आकार में या ए आकार में या चाप के आकार में, और करक रेखा को कितनी बार काटा? दो बार। क्योंकि ये क्या अपनी करक रेखा, एक तो प्रवेश के समय, एक बाहर निकलने के समय, तो कितनी बार काटा? दो बार। करक रेखा को कितनी बार काटा? दो बार। और ध्यान रखना, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर लंबाई का है राजस्थान में, और कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर, ध्यान रखना। और माई बजाज सागर परियोजना में गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है। गुजरात और राजस्थान, जो गुजरात का तो 55% पैसों में, राजस्थान का 45%, 55 और 45। और इस परियोजना में एक योजना चलाई गई है, सुजलम सुफलम योजना, पानी को शुद्ध करने की योजना चलाई गई है, सुफलम सुफलम योजना। और माही नदी के सहायक नदी एक लाइन याद कर सकते हैं, मां सोजा चाहन मोरे आएंगे। माँ सो जा चाहन मोरे आएंगे। देखो माँ का मतलब तो होगा माही, सो जाखम चाप अनास मोरे, चाप अनास मोरे। ये माही की क्या है? प्रमुख सहायक नदियां। माँ सोजा चौहन मोरे आएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट माही नदी खत्म। इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपको एकदम क्लियर में इस डायग्राम को बना लेना अपने रजिस्टर या कॉपी में, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपके, बार बार देखो बेटे माइंड में सेट हो जाएगा। अगर माही नदी में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन डाल सकते, उनके आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए कमेंट्स भी करके बताया करो, भाई समझ में आया रहा है नहीं आ रहा है। इस चक्कर में आपको ये नदी पूरी याद हो जाएगी। धन्यवाद जी, आज का इतना ही। थैंक यू।